खुश आमदीद कहते हुए जोरदार तालियों के साथ मैं इस्तकबाल करूंगी जावेद अख्तर साहब का। और उनके साथ ही मैं दावत देना चाहूंगी आतिका साहिबा को भी जोरदार तालियों के साथ। दाग का शहर दिल्ली दिले दागदार के लिए मशहूर है ही और उस जबान के लिए भी जाना जाता है जो दिल की जबान है, हमारी और आपकी जबान है उर्दू। पद्म भूषण जावेद अख्तर साहब का तारुफ कराना कितना मुश्किल और जोखिम भरा है इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा है। फिल्मी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा अवार्ड हो जिससे उन्हें कई बार नवाजा ना जा चुका हो। रेख्ता पर आपकी ख़ास करम फरमाइयाँ रही हैं, आपके मद्दाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर आपको सुनने के लिए मौजूद है और आपसे गुफ्तगू के लिए आतिका अहमद फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप टीवी का जाना माना चेहरा हैं, पिछले 15 साल से आप टीवी से जुड़ी हुई हैं, फिलहाल कलर टेलीविज़न के साथ हैं। सास बहू और साजिश टीवी शो की कामयाबी और मकबूलियत आपकी ही सलाहियतों का नतीजा है। और अब मैं गुजारिश करती हूँ आतिका अहमद फारूकी साहिबा से कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये एक बात कहना भूल गई, मैंने 15 सालों में जो कुछ सीखा है इनसे सीखा है। जी हाँ, हमारी पीढ़ी में बहुत लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और आज जो मौजू है बातचीत का वो है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो कुछ बड़ी मशहूर लाइनें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। और क्योंकि ये मौजू है तो मैं देख सकती हूँ कि आज तादाद भी ज़्यादा है लोगों की। इश्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं और बहुत सुनना भी चाहते हैं। और जिन शख्सियत से आज हम बातचीत करेंगे वो इश्क पर ही नहीं लेकिन दुनिया के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर अथॉरिटी हैं। 5 times नेशनल अवार्ड विनर, पद्मश्री, पद्म भूषण, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी राइटर, और सबसे बड़ी बात ये दैट ही इज एन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो ओकेजनली कीप्स कमेंटिंग ऑन इट। खवातीन और हजरात, मुझे मालूम नहीं है तारुफ सुन के आप लोग पे क्या असर हुआ है लेकिन मैं तो बेताब हूं अपनी बातें सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो इश्क किया और कुछ काम किया, उससे पहले कि हम आगे चले, ये खूबसूरत नज़्म का हिस्सा जो आपने सुनाया है जी। वो फैज़ अहमद फैज़ साहब का है, हमारे तरक्की पसंद तहरीक के सबसे बड़े हीरो। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त सलीमा हाशमी जो उनकी साहबजादी हैं बेटी हैं वो यहाँ बैठी हुई। वाह क्या बात है। तो आप एक बार खड़ी हो जाएं, हम आपको दीदार कर लें ज़रा। ओह वंडरफुल, फैज़ अहमद फैज़ साहब की साहबजादी, क्या बात है। तो मुझे उर्दू के ताल्लुक से वो शेर याद आया जो अभी सलीमा ने किया। पूछते हैं वो जाने सारों को, तुम भी हसरत उठो सलाम करो। तो ये किया है उन्होंने। और शी हर्सेल्फ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड पेंटर्स ऑफ पाकिस्तान। और वहाँ जो आर्ट स्कूल है, कॉलेज है लाहौर में, उसकी प्रिंसिपल भी रही हैं। और अब वो है कि भाई वर्दी डॉटर ऑफ अ वर्दी फादर। चलिए साहब, अब उसके बाद अब फैज़ साहब के मिसर सुनने के बाद आदमी क्या कहे बताइए। चलिए, तो जॉन एलिया साहब का एक शेर था कि ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। वाह वाह। और कल ग्रैंड मुशायरे में जावेद साहब अपनी नज़में और बहुत प्यारी गज़लें सुन रहे थे और कह रहे थे, और उन्होंने एक्सक्यूज़ किया अपने आप को ये कहकर कि उनकी 9 दिसंबर को शादी की 33वीं सालगिरह थी। 33 years ऑफ अ ब्यूटिफुल पार्टनरशिप। सो ये बताइए जावेद साहब कि ये जो एक बहुत बढ़िया टीम आप दोनों की है, दो अचीवर्स की जो टीम है, इसमें आप ऐसा कौन सा एफर्ट करते हैं इस इश्क में कि ये कहानी हमेशा नई सी नज़र आती है।
देखिए पहले तो ये जो इश्क पे आपने अगर मुझे बोलने को एक 25-30 साल पहले बुलाया होता तो मुझे ज़्यादा तफसील में बातें याद होती जी। लेकिन बहरहाल बेटर लेट देन नेवर। तो ये अजीब जज्बा है, जब इश्क तो मोहब्बत की इंतहा जब हो जाती है तो उसे इश्क कहते हैं। अच्छा, हम मोहब्बत से नाराज़ नहीं हैं, हम प्यार से नाराज़ नहीं हैं, प्रेम से नाराज, इश्क से बहुत है। समाज को इश्क बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो है असल में आप कहें कि मुझे, मैं समझता हूँ कि लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी को इतराज़ नहीं होगा भाई, आपस में प्यार रहना चाहिए, कोई नहीं कहेगा बुरी बात कह रहे। आप इश्क कीजिए तो लोग कहें ये तो बिगाड़ रहा है। तो वजह क्या है, ये इश्क से समाज को, माशरे को, सोसाइटी को ख़तरा क्या होता है? दरअसल मोहब्बत की जो इंटेंसिटी है वो स्टेटस को चैलेंज करती है। मोहब्बत ये उस जगह पहुंच जाती है जिसे हम इश्क कहते हैं, ऑब्सेशन का वो डिग्री है कि जहां हर बात ख़ानदान, ज़ात पात, मज़हब, नेशनैलिटी, हर चीज़ जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, वो सामने वो जो शख्स है, जो इंसान है, वही इम्पोर्टेंट होता है। समाज को ये बात पसंद नहीं है। समाज को ये पसंद है कि हमने जो उसूल बनाए हैं, हमारे जो तौर तरीक़े हैं, हमने जो दीवारें खड़ी की हैं, आप उनकी इज्जत करते रहिए, जो हमने उसूल, जो हमारे गेम के रूल्स हैं उनमें ही खेलो। अगर तुम इतने दीवाने हो रहे हो कि तुम्हारे हमारे बनाए हुए कानून, हमारे बनाए हुए उसूल, हमारी रवायतें, हमारी परंपरा, हमारी ट्रेडिशन, तुम सबको कूद के निकल जाना चाह रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करें। ये इश्क से दरअसल समाज को और दुनिया को कभी बहुत मोहब्बत नहीं रही है, इश्क के तो खिलाफ ही रहे हैं लोग, और उसी इश्क की एक लव जिहाद भी मिसाल है। ऐसा नहीं है कि आप विद इन योर कम्युनिटी इश्क करने लगे तो छोड़ देंगे लोग आपको, वो तब भी आपके खिलाफ ही रहेंगे, उन्हें इश्क पसंद ही नहीं है। मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा हो उन्हें अच्छा नहीं लगता जी। और ये जो पॉपुलर इश्क है, इसका एक नोशन ये है कि ये बराबरी के लोगों में नहीं होता। अगर आप औरत मर्द की बात करें तो या तो उम्र का फ़र्क होगा, हैसियत का फ़र्क होगा। मैं आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके हवाले से देखिए, पहले तो मैं आपको करक कर दूं कि अब तो बराबरी के लोगों में भी होने लगा है, इस हद तक कि कभी कभी तो मर्दों में आपस में हो जाता है जी। मेरी मुराद दरअसल आपकी अहलिया, आपकी शरीके हयात शबाना आज़मी जी से है, जो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। इस तरह कि उनके पास नेशनल अवार्ड है 500, इनके पास भी 5 नेशनल अवार्ड हैं, वो पद्मश्री पद्मभूषण है, सो आप भी पद्मश्री पद्मभूषण हैं। बल्कि उनका पहला पद्मश्री आपके पद्मश्री से 11 साल पहले मिला, तो वो शायद आपकी सीनियर हुई। अब दो बराबरी के लोगों में, और एक औरत और एक मर्द जब बराबर की स्टैंडिंग सोसाइटी में रखते हों, जब उनके बीच में पार्टनरशिप होती है तो कैसी होती है, और मुश्किल होती है या आसान होती है? देखिए आप एक बात समझें कि चाहे हस्बैंड वाइफ हों, ये हस्बैंड वाइफ बड़ा ख़तरनाक ये टर्म्स हैं। उसकी वजह क्या है कि ये पत्थर बहुत बरसों पहले किसी पहाड़ से लुढ़काए गए थे, तो वो जैसे जैसे लुढ़कते रहे उन पे काई लिपटती रही, तो ये बहुत बैगेज लेके आते हैं आपके पास। वाइफ हस्बैंड, आप ये लफ्ज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप कहिए दो इंसान जो आपस साथ रहें, वो चाहे दोस्त हों, वो पार्टनर्स हों, वो दो बहनें हों, दो भाई हों, या हस्बैंड वाइफ हों, या दो लवर्स हों, जो भी हों, वो खुश कैसे रह सकते हैं? वो खुश तभी रह सकते हैं, एक आपके दिल्ली के बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट थे फ़िक्र तौनसवी साहब, तौनसा एक जगह है पंजाब की, वहाँ के थे और लिखते थे, मेरे ख्याल तेज या प्रताप किसी में, वो प्यास के छिलके के नाम से एक वो भी लिखते थे। उसमें उन्होंने कहा कि अपनी शादी के बहुत दिनों बाद मैंने ये बात समझी कि हम दोनों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है। क्या बात। तो जब आप ये बात समझ लेंगे कि हम दोनों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है,
تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر رشتے میں اور خاص طور سے ہسبینڈ وائف کے رشتے میں, تو اکثر ہسبینڈ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ دراصل کائنات کے یونیورس کے سینٹر وہ ہیں اور باقی جو ہیں ستارے وہ ان کے چاروں طرف گھومتے رہیں, پلینٹ یہی ٹھیک رہے گا اور یہ بیوی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کی زندگی یہ ہے کہ میرے چاروں طرف گھوم کے میرا خیال رکھے. یہی غلطی ہے, ہم کو یہ ماننا ہوگا بھلے ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی ہو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ ہر انسان اتنا ہی انسان ہے جتنے آپ ہیں, اس کے اتنے ہی خواب ہیں, اس کی اتنی ہی تمنا ہیں, اس کی اتنی امنگیں امیدیں ہیں جتنی آپ کی ہیں, اس کو اپنی زندگی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے. کچھ آپ اس کے لیے کر لیں, کچھ وہ آپ کے لیے کرے, کچھ ایک دوسرے کے لیے بھی کرنا ہے, لیکن یہ حق نہ آپ کھوئیں گے نہ وہ کھوئے گا سامنے والا کہ کچھ اس کا حق اپنے لیے بھی ہے. اگر یہ بات آپ نے مان لی اور اس بات کو سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے رشتے, چاہے وہ ایک ہسبینڈ وائف میں ہوں, چاہے دو دوستوں میں ہوں, چاہے دو ملکوں میں ہوں, جی ٹھیک ہو سکتے. جی اچھا, آپ کے فادر جانثار اختر صاحب بہت مانے ہوئے پوئٹ, رائٹر تھے, لیرسسٹ تھے. آپ کی وائف شبانہ اعظمی جی کے فادر کیفی اعظمی صاحب بہت لیجنڈری پوئٹ تھے, آپ کے سسر ہوئے وہ. اب کبھی ایسا ہوتا ہے, ایک بڑے پیارے دو لائن ہیں میں آپ کو سنا دوں کیفی اعظمی صاحب کے, عورت ان کی آپ سنیے گا, وہ تو ہے ہی خیر بہت چھوٹی کی نظم لیکن بڑی دو پیاری لائنیں ہیں, کہ مدت کے بعد اس نے جھکی لطف کی نگاہ, جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے. تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ شبانہ جی آپ سے کہتی ہوں کہ جادو بہت اچھے شاعر ہو تم مگر ابا والی بات نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں کہ وہ میرے فادر کی اتنی بڑی فین ہے. کیوں بھائی؟ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے مقابلہ کرنا بھی نہیں چاہیے, وہ کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں, اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہے تو یہ کام ہم نے ان کے اچھے کام کے بعد کیا ہے اور وہ جی سیکھ کے اور سمجھ کے کیا ہے, تو وہ احسان تو پچھلی نسل کا ہم پہ ہمیشہ ہی رہے گا. اور اس طرح سے ہم سوچیں وہ بات ہی صحیح نہیں, نہ لاجیکلی صحیح ہے اور نہ مورلی صحیح ہے. جی مگر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. ایسا جی کبھی ہوا تھا؟ سوال کیا تھا؟ کہ ابا والی بات نہیں ہے. شکر ہے کہ ہماری بات الگ ہے, اگر وہی والی بات ہو تو پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے. مجھے ابھی خیال آیا یہ سب بات کریں کہ شبانہ آپ سے کیا کہتی ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہی انٹرویو ہو رہا تھا, خاتون میرا اور شبانہ دونوں کا ساتھ میں انٹرویو کر رہی تھیں, جی تو وہ کہنے لگیں کہ شبانہ جی جاوید صاحب نے تو اتنی رومانٹک شاعری بھی کی ہے, ایسے رومانٹک گیت بھی لکھے ہیں, تو یہ تو بڑی زندگی میں بڑے رومانٹک ہوں گے. تو شبانہ نے کہا کہ ان کے آس پاس سے رومانس نہیں گزرا ہے اور دیر از ناٹ اے سنگل بون آف رومانس ان ہز باڈی. تو مجھے اس نے بڑی حیرت سے دیکھا انٹرویو کرنے والی نے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے بھائی, جو لوگ سرکس میں کام کرتے ہیں وہ گھر میں الٹے تھوڑی لٹکے رہتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بجا فرمایا. اور یہ جو 33 سال بیتے, آپ نے میرے بھی ایک بار ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دراصل ایبسنس میکس دا ہارٹ گو فونڈر. میں تو شبانہ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی اتنی اچھی, اتنی گہری, اتنی مضبوط ہے کہ شادی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. جی صحیح کہا آپ نے, صحیح کہا آپ نے. اب میں آپ کے جو کام ہے, جو آپ نے جو لیجنڈری کردار ہم لوگوں کو دیے, جس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ پڑھ کے ہم بڑے ہوئے, میں عشق کے حوالے سے ہی اور عورت مرد کا جو یہ رشتہ ہے اس کے حوالے سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اپنی فلموں میں ماں کو امر بنا دیا اور بیٹے کا پہلا عشق اپنی ماں سے ہوتا ہے اور امر عشق ہوتا ہے. دیوار میں وہ موت کے منہ میں چلا گیا, امیتابھ بچن کے جو کردار تھے, اپنی ماں سے ملنے.
लेकिन हमारी फिल्मों में जो लेखक रहे और जो कहानीकार रहे, उन्होंने बाप और बेटी के बीच में जो रिश्ता होता है उसको परमानेंट है और हमेशा रहेगा, ताउम्र रहेगा, ये नहीं बताया, ऐसा क्यों? आप बहुत सही कह रही हैं, और बाप और बेटी का रिश्ता भी बहुत दिलचस्प, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि बाप और बेटे के रिश्ते से ज़्यादा खूबसूरत है जी। मैं तो ऐसा ये दिल से कह रहा हूँ आपसे, बेटियाँ जितना लिबर्टी ले सकती हैं बाप से, बेटा नहीं ले सकता। आप सही कह रही हैं, इस रिश्ते को उतना प्रोब नहीं किया गया है जितना कि किया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छा कि आपने ये बात कही, ये बात अब मेरे जहन में रहेगी, और यकीनन बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म्स इस रिश्ते पे बन सकती है, कोई शक नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हो रही है इश्क की, थोड़ा सा दायरे को बढ़ाते हैं और सोसाइटी में, समाज में जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। हमने माना कि जुनू पसंद है इश्क, और एक बार इश्क हो जाए तो ये होता है वो होता है, लेकिन कभी कभी जब आप इश्क में गिरकर वापस लौटते हैं तो दिल नफ़रत से भर जाता है। हम आजकल देख रहे हैं कि न्यूज़ में एसिड अटैक्स और बदले की जो भावना है ये भी देखी जा रही है, जो कभी बहुत खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था वो बाद में बड़ा बदरंग हो जाता है। इन नफ़रतों को कैसे संभाला जाए? ये देखिए, मोहब्बत क्या है ये तो डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। न जाने कब से शायर और अदीब इसकी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कोई डेफिनेशन, कोई तारीफ, कोई परिभाषा बना सकें, वो तो नहीं बना सके। लेकिन मोहब्बत क्या नहीं है ये आसानी से कहा जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये कि आपको अगर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया उस मोहब्बत का जो आप चाह रहे थे, तो आप उसके चेहरे पे तेज़ाब फेंक दें, ये तो मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो पक्की बात, ये कुछ और है, मोहब्बत नहीं, ये आपका ज़ख्मी घमंड और गुरूर है जो आपसे करवा रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि मोहब्बत है, नहीं, ये घमंड है, ये अना है, ईगो है, और वो भी बहुत ही डिस्टॉर्टेड और बीमार। अब एक मरतबा ये हुआ था, आपको याद होगा कि एक साहब थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका जॉन या जो भी नाम था उसका मैं भूल रहा हूँ, इसका नाम फर्स्ट नेम शायद जॉन था, ब्राउन या ब्राउनिंग कुछ ऐसा था, जिसने वो हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी जिस पे वो आशिक थे, और उन्होंने कई बार उन्हें ख़त लिखा, जाहिर है कि अब भाई स्टार है, उसको हज़ारों ख़त आते हैं, हर एक का तो जवाब देती नहीं, उसने नहीं दिया, तो इन्होंने ख़त लिखा कि मैं ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत हूँ अमेरिका के प्रेसिडेंट को गोली मार दूंगा, और उन्होंने जाके अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उस प्रेसिडेंट को गोली मार दी जी, ये हुआ था। अब बताइए, जबकि वो ट्रंप भी नहीं था, कोई और था, तो ये मोहब्बत नहीं है, ये यकीनन मोहब्बत नहीं। तो आपको ये बताया जा सकता है कि क्या मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत क्या है वो तो आपको दिल में पता है जी। अब इश्क के दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं, कई शायरों ने इश्क के बारे में तो लिखा है, लेकिन दुनिया में जो और परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है और उनको एड्रेस करना कितना ज़रूरी है, इस बात से उनका इश्क रहा है। आपके जो तरकश, लावा, कैफी आज़मी साहब के जो कलाम है, बहुत से हमने पढ़े हैं, शायर जो है तो लोगों, दूसरों के दिल के दर्द को बहुत खूबसूरती से अपने कलाम में बयां करता है। मिसाल के तौर पर दो बड़े प्यारे शेर हैं कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, और दूसरा है कि परियों के देश वाली कहानी भी खूब है, बच्चों को आज रात भी भूखा सुला दिया। वाह, ज़रूरी है कि शायरी में ये बातें हों। जी जी जी, ऐसे ही एक किसी और शायर का शेर है, वो भी बहुत अच्छा है कि मैंने इन बच्चों को बातों में लगा रखा है, काश इतने में गुजर जाए खिलौने वाला। क्या बात, तो ये असल में पहले तो ये लफ्ज़ बच्चा तो गज़ल में आता ही नहीं था, और उससे पहले ये जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई तो जो अल्फाज आए, मज़दूर या कुदाल या कारखाना, तभी जो बुज़ुर्ग शायर थे वो बेहोश हो गए
कि भैया क्या हो रहा है, ये शायरी में कुदाल और मजदूर और कारखाना जैसे आप लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, शायरी है? तो ज़माना वो भी गुजर गया बहरहाल, और उन्होंने जो असर हमारे जहनों पे और हमारी सोच पे छोड़ा हो तो जानते हैं आप। उसके बाद जो अब शायर आए हैं और जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ट्रेडिशनलिस्ट उससे भी नाराज़ होते होंगे। ट्रेडिशनलिस्ट बड़े दिलचस्प लोग होते हैं साहब, ये जो पुराने ख्याल के लोग होते हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई काम पहली बार ना हो, आप दूसरी या तीसरी बार कर लीजिए, अच्छा उसमें कोई शिकायत नहीं, पहली बार मत। तो ये भी जो चीज़ें अब पहली बार आ रही हैं शायरी में, वो जो नई जनरेशन है इतनी अच्छी शायरी कर रही है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, उनका पूरा डिक्शन अलग है, उनका स्टाइल अलग है, उनकी सोच अलग है, और उनके यहाँ मोहब्बत का भी जो ख्याल है वो अलग है। वो पहले एक जो ट्रेडिशनल शायर होता था तरक्की पसंद तहरीक से पहले की बात कर रहा हूँ, और गालिब मीर जैसे बड़े शायरों के बाद, एक ये भी दौर था कि ऐसा लगता था कि बस ये जो हैं आशिक जो हैं ये मतलब नाक रगड़ने को तैयार हैं महबूबा के दरवाज़े पर, ये रकीब के जूते भी खाने को तैयार हैं, कुछ भी इनके साथ हो जाए मगर ये एक आशिक है। मतलब एक शेर इस तरह के होते थे, एक शेर मुझे याद आता है जिसमें कोई डिग्निटी नहीं है, झुक झुक के कर रहे हैं वो अग्यार को सलाम, यानी गैरों को झुक झुक के कर रहे हैं वो अग्यार को सलाम, वालेकुम अस्सलाम किए जा रहा हूँ मैं। तो ये जो बेशर्मी आ गई थी ये अब नहीं है, ये जो नए लड़के जो शायरी है उसमें बहुत बात है, बहुत बात। और मुझे एक अभी नौजवान शायर का बहुत शर्म की बात है कि मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका शेर याद है, और ये बहुत ख़राब बात है कि मैं इस पर नाम भूल रहा हूँ, उसका क्रेडिट उसे दिया जाना चाहिए कि तेरी शर्तों ही पे करना है अगर तुझको कबूल, तेरी शर्तों ही पे करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। क्या बात, क्या बात। ये आपके लाहौर का शायर है। चलिए बात लाहौर की हुई, अहमद फराज नाम के एक बहुत उम्दा शायर गुजरे हैं। अच्छा। तो उन्होंने लिखा था, YouTube पे बड़ा वायरल है, जिन्होंने नहीं सुना उनको प्लीज़ पढ़ें और पढ़ें, कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है दिन के वक्त उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। और आपने भी लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और ये और वो, और मतलब कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ों से आपने उसकी तुलना की। देखिए फ़र्क है, वो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने तो सुन के कहा है, मैं तो देख के बोला। क्या बात है। अब इसमें मेरा सवाल ये था कि जब इश्क की बात होती है और जब लिखने वाला कुछ लिखता है तो वो खूबसूरती की तरफ टिल्टेड रहता है, उसका एक बायस रहता है कि वो उसी चीज़ की तारीफ़ की जाए जो बड़ी खूबसूरत हो, तो ये बताइए कि इश्क उससे नहीं हो सकता जो देखने में थोड़ा कम हो, और ये लाजमी हो कि अगला जो है तो बला का खूबसूरत हो? हालांकि ये वक्त तो नहीं था पर्सनल मसाइल पे डिस्कस करने का, लेकिन बहरहाल अब आपने पूछा है, जावेद साहब कमाल हैं आप। तो देखिए ये एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी की ट्रेजेडी है। अच्छी बात है, हमारे हम जो पार्लियामेंट में थे वहाँ भी एक मरतबा सब डिस्कशन हुए थे, हिंदुस्तान में ज़्यादातर शहरों में एक आम लड़का जो 20 साल या 22 साल का हो गया होता है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी बहन या अपनी कज़न्स या फैमिली की करीब की जो रिश्तेदार हैं वो लड़कियां, उनके अलावा उसने कभी 5 मिनट किसी जवान लड़की से बात ही नहीं की होती। सही बात है। उसने सिर्फ देखा होता है सड़क के दूसरी तरफ जाते हुए या बस स्टॉप पे खड़े हुए। ये तो एक एक्सट्रीम केस मैं बता रहा हूँ जो बड़ा आम है। ये हिंदुस्तान के 75-80% लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, और वो लड़कियाँ जिन्होंने कभी
اپنی گرون اپ لائف میں اپنی ٹین ایج میں اپنی ٹوینٹیز میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ ایک شام نہیں گزاری ہوگی. یہ سب دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو جب دور ہی سے دیکھو گے ایک ایسا سماج ہوگا تو سوائے شکل صورت کے کیا معلوم ہوگا تم. کیا بات. اور حیرت کیا ہے اتنے اس پہ حیرت کی کیا بات ہے کہ اگر اس کو صرف ایک کوئی آبجیکٹ سمجھ رہے ہو عورت کو, اسے صرف جسم سمجھ رہے ہیں اور اس جسم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو شکایت کیسے کر رہے ہو؟ تم ہی نے تو یہ حالات کریٹ کیے ہیں کہ انہیں جسم کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات بولی آپ. جہاں آپ دیکھتے ہیں کچھ قربت ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, لڑکے لڑکیاں ساتھ پلتے ہیں بڑھتے ہیں اسکولز میں کالج میں, جہاں ہر جگہ پابندیاں اتنی نہیں ہوتی, وہاں ہم ایک دوسرے کو انسان کی طرح دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جی یہ الٹی بات ہے. جو مرض ہے اور مرض کی جو وجہ ہے وہی اس کا علاج بتایا جاتا ہے کہ ان کو اور الگ کر دو. ارے اور الگ ہوں گے اور پرابلم کریٹ ہوگا, یہ ان نیچرل سچویشن ہے. تو یہ ہمارے ہاں کسی نہ کسی ڈگری میں ہمیشہ رہا ہے. لہذا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ محبوبہ یا تو بیلکنی میں دکھ رہی ہے یا چھت پہ دکھ رہی ہے. اب چھت پہ آپ بیلکنی میں کتنی دیر چلا کے بات کر سکتے ہیں؟ جی تو بات تو کم ہی ہو رہی ہے, آپ صرف دیکھ رہے ہیں. تو وہی آبزرویشن آپ کو ہمارے لٹریچر اور پوئٹری میں بھی ملتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کا سماج بدل رہا ہے اور جہاں جہاں بدلا ہے وہاں شاعری بھی بدلی ہے. میں نے تو جب شعر لکھا تھا اپنی محبت کے اظہار کے لیے یا اس ایکسیپٹنس کے لیے کہ مجھے پسند ہے وہ, تو میں نے لکھا تھا خوش شکل بھی ہے وہ, یہ الگ بات ہے مگر, خوش شکل بھی ہے وہ یہ الگ بات ہے مگر, ہم کو ذہین لوگ ہمیشہ عزیز تھے. کیا بات ہے, واہ واہ. اسی یہ مجاز کی پوئٹری میں ایسی لائنیں ہیں کہ مجھے حیران کر دیتی ہیں نکتہ دانیاں اس کی. تو کام نے بہت کبھی کبھی آپ کو شاعری میں ملے گا کہ آپ اپنی محبوبہ کے آئی کیو کی بات بھی کر رہے ہیں, ورنہ سارا معاملہ ای کیو سے ہی چلتا رہتا ہے. جی آپ کی اسی بات سے مجھے خیال آیا, ایک سوشل میں ایک اپلیکیشن دینے کی کوشش کر رہی ہوں. 70-60 کے دشک میں فلموں میں جو دکھایا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں, جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہے اور جو پہلے نہیں ہوتا تھا وہ اب ہے. جیسے آپ نے بولا کہ سیکسز کے بیچ میں انٹریکشن نہیں ہوتا ہے اور یہ بری بات ہے, ہونا چاہیے. پہلے کسی کے کالج لائف دکھاتے تھے تو لڑکا لڑکی کا مکسڈ گروپ آف فرینڈس نہیں ہوتا تھا. وہ گانا تھا میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم, کوئی بھی اگر علی گڑھ کا وہ جو ماحول ہوتا تھا ایک اسلامی ماحول ہوتا تھا, اس میں یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ لڑکا لڑکی ایسے ایک گروپ آف فرینڈس ہے. دوسرا جو پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتی ہے, جو بہت اچھی بات ہے, کہ ریپ کے سینس فلموں میں باقاعدہ ڈالے جاتے تھے, وہ ایک تفریح کا ذریعہ تھا, لطف کا ذریعہ تھا, پوسٹر میں بھی وہ ڈالا جاتا تھا, وہ اب نہیں ہوتا. شکر ہے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے زندگی جو ہے اگر اتنا آسان ہو نا کہ یہ اچھا دے ہے یہ برا ہے تو ہم زیادہ تر لوگ اچھا چن لیں گے برا چھوڑ دیں گے, ایسا ہے نہیں. زندگی ہم کو پیکیجز آفر کرتی ہے, ایک پیکیج ادھر رکھا ہے ایک پیکیج ادھر رکھا ہے. اس پیکیج میں 5 بڑے بڑے اچھے ہیں, 9 میڈیم سائز خراب ہیں, 11 چھوٹے چھوٹے اچھے ہیں اور 19 بہت ہی چھوٹے خراب ہیں. دوسرے میں 9 بڑے بڑے اچھے ہیں, 11 کافی بڑے بڑے برے ہیں, 7 میڈیم سائز اچھے ہیں اور 5 چھوٹے چھوٹے برے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا والا پیکیج ٹھیک ہے, کنفیوز کر دیتی ہے زندگی. اب آپ دیکھیے پرانی جو ہماری فلمیں تھیں ان میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں کچھ خرابیاں بھی تھیں, آج جو ہماری خوبیاں فلمیں ہیں ان میں کچھ خوبیاں نئی آئی ہیں کچھ خرابیاں بھی ہیں. ان فلموں میں شاید استھیٹک ویلیو وہ نہیں تھی, میلو ڈراما زیادہ ہوتا تھا, یہ کروڈیٹی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بھی اکثر بی گریڈ فلموں میں تو خصوصاً ملتی تھی, اب بی گریڈ فلمیں بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن جو ہم ان فلموں کو دیتے ہیں تو ان میں باوجود اس کے کہ وہ لارجر دین لائف تھیں لیکن اس میں کامن مین کا درد تھا. آپ دیکھیے ہماری فلموں کا ہیرو کون ہوتا تھا,
टैक्सी वाला, रिक्शे वाला, मजदूर, मिल वर्कर, किसान, क्लर्क, स्कूल टीचर, लॉयर, डॉक्टर। अब हमारी फिल्मों का हीरो काम नहीं करता है जी। सही बात है। इसलिए कि फिल्म जो है मिडिल क्लास के लिए बनी नहीं रही है, वर्किंग क्लास के बनी नहीं रही है। अब तो उसके लिए बन रही है जो 500 रुपए या 700 रुपए का टिकट खरीद सकता हो, तो वो ये सब है नहीं, वो ज़रा पैसे वाला है। अब वो अगर वो ये सारे काम नहीं करता तो इन काम करने वालों के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मसाइल हैं और जो समस्याएं हैं उनमें भी वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक तरफ हमारी फिल्मों में जो एस्थेटिक्स है बेहतर हो गई है, जो फोटोग्राफी है बेहतर हो गई है, साउंड बेहतर हो गई है, मेलोड्रामा और फुअड़पन चला गया है, फ्लिकनेस आ गई है, गहराई कम हो गई है। हमारे पास बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन वो बहुत कम होती है, बहुत कम है। और हमारे गीत जो हैं, आप पुराने 70s, 60s, 50s के गीत देखेंगे तो एक बी ग्रेड फिल्म का भी जो गाना है उसका एक स्टैंडर्ड जी, उसमें कोई पोएटिक वैल्यू है। अब हमारे यहाँ बहुत कम अच्छे गाने होते हैं, कुछ इरशाद कामिल है, सदानंद किरकिरे है, ये लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं अच्छा करें, लेकिन मौका नहीं है जी। वो उनको ना म्यूज़िक साथ दे रही है उनका, ना सिचुएशन साथ दे रही है, क्योंकि कहानी में दर्दमंदी नहीं है, आम इंसान की बात नहीं है, तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी जहाँ पर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जैसा गाना है कैसे आएगा। मुझसे लोग पूछते हैं सर प्यासा जैसे गाने अब क्यों नहीं आते, तो मैं प्यासा जैसे गाने फिल्म जिंदा जला दूंगा मैं नहीं आ सकते, उसके लिए आपको प्यासा बनानी पड़ेगी। सही कहा आपने। एक बात बड़ी दिलचस्प है, 1981 में आपने सिलसिला फिल्म से लिरिक राइटिंग की शुरुआत की, बड़े खूबसूरत उसके बोल थे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। उसके बाद आपने साथ साथ के गीत लिखे 1942 अ लव स्टोरी, और आपने ये भी लिखा दर्दे डिस्को, और काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लेकिन कभी भी ओछे अश्लील लफ्ज़ों का चयन आपने अपने गीतों में कभी नहीं किया, कितना भी निर्देशक ने बोला। ये मुझे दो बातें अच्छी लगी, एक तो ये सवाल नहीं है और दूसरे ये तारीफ है, तो दोनों ही बातें भली। चलिए हो गया ये तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो उसूलों पे आप जो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसका कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। देखिए अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी उसूल है तो उसका नुकसान तो होगा, थोड़ा होगा, शायद कभी फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन अब फ़ायदे नुकसान के तरह से आप सोचेंगे तो उसूल रख ही नहीं सकते आप। हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, अब नुकसान हो तो हो जाए, बर्बाद हो तो हो जाए, अब इससे आगे तो हम नहीं जा सकते, वो हर चीज़ में होना चाहिए। और ये मुझे ऐसा लगता है आजकल हर फील्ड में ये कम हो गया है, अपना जो मतलब साधना है, जो हमें अचीव करना है, जो गोल हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए नो होल्ड बार्ड, हम हर काम करने को तैयार। और आप यकीन ना आए तो आज या कल या परसों का अखबार पढ़ लीजिएगा। तो यही है कि अब कोई डिसिप्लिन नहीं है कि भाई ये बात तो नहीं करेंगे हम, ऐसा तो नहीं कहेंगे, ऐसी ज़बान तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ये कह नहीं सकता कि इतने नीचे तो नहीं जाएंगे, वो ज़रा गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके पता नहीं लोग क्या माने निकालने लगे, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा और मैंने कहा भी नहीं है। तो ये जो है हमने तो ज़िंदगी में भाई ये बात निभाई, नुकसान भी हुआ फ़ायदा भी हुआ। इस तरह का कोई डबल मीनिंग डायलॉग, कोई घटिया ओछा वल्गर लाइन, और एक ज़माने में बहुत हो गई थी, तो मैंने तो पिक्चरें की कम हैं छोड़ी ज़्यादा हैं जी। फिर कभी कभी मैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई वल्गैरिटी, मुझे तो अगर कोई एक है, अब जबान लोग जानते नहीं, मुझे एक प्रोड्यूसर कहने लगे देखिए मैं तो चाहता हूँ आप गाने उस जबान में लिखे जैसे मैं बोलता हूँ, सिंपल लैंग्वेज, तो उस सिंपल लैंग्वेज में गाने होने चाहिए। मैंने कहा आपकी लैंग्वेज में सिर्फ टेलीग्राम दिया जा सकता है,
पूरा गाना नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे होते हैं किस्से और भी कि साहब वो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दीजिए, ये हम निकाल दिए, इस पर भी बहुत हमने फिल्में छोड़ी हैं। लेकिन बहरहाल ग्रैंड टोटल देखना चाहिए ज़िंदगी का, तो ग्रैंड टोटल जो है उसमें तो मैं फ़ायदे में हूँ। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप ही ने लिखा था कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया हिट रहा। और जब आपने दर्द डिस्को भी लिखा जिसका कोई सर पैर नहीं है, अगर माने की बात करें तो वो भी हिट रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल उसका कोई सर पैर नहीं है, और अगर ज़रा सा भी उसमें सर पैर होता तो ख़राब राइटिंग होती। बताता हूँ क्यों। जी देखिए, ये गाने जो हैं ये बाद में आप रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविज़न पे सुनते हैं, कैसेट पे सुनते हैं, अपने फ़ोन पे सुनते हैं, लेकिन बुनियादी तौर से गाने फिल्म के लिए लिखे जाते हैं। उन फिल्मों में अजीब अजीब तरह की सिचुएशंस होती हैं, उनमें उसी तरह का वहाँ कैसा गाना चाहिए। अब सिचुएशन क्या है फिल्म की कि एक पिक्चर का हीरो है जो कि व्हील चेयर पर आ गया है, उसके पैर टूट गए हैं, व्हील चेयर पर बैठा है, कहता है मगर नहीं मेरा एक डिस्को का गाना होना चाहिए। तो उनका जी आपका पिक्चर में जो कैरेक्टर है वो व्हील चेयर पर है। तो कह रहा अच्छा तो फिर वो फैंटेसी में होगा, मगर होगा। तो अब वो चूंकि हर चीज़ बेवकूफ़ी की हो रही है और मीनिंगलेस हो रही है, तो उसमें वो गाना जो था वो सेंसिबल नहीं होना चाहिए था। वो एक गाना ऐसा होना चाहिए था यार क्या गा रहा है ये, आपका अचीवमेंट ही है क्या आप ऐसा गाना करें, क्योंकि वो सिचुएशन अपसर्ड है। और हम ये जो कहानीकार है जो डायरेक्टर वो बताना चाहता है कि अपसर्ड सिचुएशन है। अच्छा, तो ये जो लफ्ज़ है इश्क, उसे दो शायरों ने दो अलग अलग मुख्तलिफ तरीके से कहा। गालिब का शेर है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और दूसरा शेर जिगर मुरादाबादी का है कि इश्क जब तक न कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। अब एक ने इश्क को रोग बताया है, दूसरे ने रोग की दवा बताया है, आपका वर्जन क्या है? मैं शुरू से एक बात महसूस कर रहा हूँ, क्या होता है बच्चे कहीं झगड़ा वगड़ा बच्चे हो जाए ना तो अपने मोहल्ले के दादा को लेके जाते हैं झगड़ा का। ये अपने मोहल्ले के सब दादा लेके आई हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक उस्ताद शायर का शेर सुना देती है और फिर मुझसे राय लेती है। चलिए बहरहाल, अब ये फुर्सत के ज़माने थे सहूलत के, कि जब आदमी इश्क में बर्बाद होने को कुछ ख़ास मुश्किल काम नहीं मानता था, या बल्कि बड़ी आरज़ू थी। अभी खेती बाड़ी होती थी, आराम से रहते थे लोग, ज़मींदारियाँ थीं। अब इसमें बर्बाद हो गए, ज़मींदारी तो चलती रहेगी ना। लेकिन अभी आजकल के ज़माने में आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें बर्बाद होना, बहुत महंगा पड़ जाएगा। और ये सब ख्याल कि इस ज़िंदगी में एक ही बार होता है, ये भी गलत। अरे भाई कई बार हो सकता है, ये किसने कहा एक ही बार हो सकता है? आपकी एक इंसान से बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो दोस्ती टूट गई किसी वजह से, वो नहीं रहा, या उसने आपको छोड़ दिया, या आपने उसे छोड़ दिया, या वो जिंदा ही नहीं रहा, या कहीं और चला गया, आपको फिर ज़िंदगी में कोई दोस्त, अब मुझे कोई दोस्त नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहरहाल ये इश्क को ये जो है इस तरह से ताला अपनी लगा सकते हैं कि इसमें तो मेरे फादर का बहुत अच्छा शेर है, इरशाद, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ए इश्क हमारी न तेरे साथ निभेगी। क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल ये मोहब्बत जो है खूबसूरत एक अच्छा जज्बा है, इश्क उसी का एक इंटेंस फॉर्म है, और नफ़रत एक ख़राब जज्बा है, और फिनाटिज्म और वायलेंस उसी का एक्सट्रीम फॉर्म है। अब आप पे है, आप मोहब्बत करें कि नफ़रत करें। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि दुनिया में जितनी शायरी हुई है वो मोहब्बत करने वालों ही ने की है, नफ़रत का करने वालों ने हुकूमत कर ली हो शायरी नहीं कर सकती। क्या बात है, शायरी करने के लिए तो मोहब्बत ही करनी पड़ती है। क्या बात है।
अच्छा ये जो इश्क है ये इसके इसकी समझ और डेफिनेशन भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. आपका वक्त बचपन में भोपाल में बीता, अलीगढ़ में बीता, लखनऊ में बीता. उसका जो एक इंटरप्रिटेशन है इश्क का वो ये था कि पाकीज़ा में वो लाइन थी कि आपके पाँव देखे बड़े खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे, और उसने पैरों को हाथ तक ना लगाया. और फिर आज का वक्त है जब सब कुछ हुआ जा रहा है और बम्बई में जब आप पहुँचे तो आपने एक नई दुनिया देखी और फिल्मों की दुनिया तो वाकई बिल्कुल अलग है. तो छोटे शहरों का इश्क और बड़े शहरों का इश्क और असल ज़िंदगी का इश्क और फिल्मों के इश्क में क्या फ़र्क है? देखिए ये जो पाँव ज़मीन पर न रखिएगा ये उन्हीं से कह सकते थे, पाकीज़ा से. अब वो लड़की जो एक ऑफिस में काम करती है उस पर आप आशिक हो जाकर आप अपने पाँव ज़मीन पर न रखिएगा, आप उससे नहीं कह सकते. आज जो औरत आगे बढ़ रही है और तेज़ी से आगे जा रही है, आप उससे कहें ज़मीन पर पाँव न रखना, तो ये अब ये प्रैक्टिकल नहीं है. और ये तसव्वुर ही जो है कि उसको मोहब्बत आप जिससे करें उसे फ्रेम करके दीवार पर लगा दें, ये अब जा चुका है. आपको मोहब्बत जिंदा लोगों से करनी चाहिए, जीती जागती औरत से करना चाहिए जो आप ही की तरह सोचती है, आप ही की तरह काम करती है और आपकी तरह अचीव करती है. ये जो औरत को आप कह रहे हैं पांव ज़मीन पे ना रखिएगा, अब ज़मीन पे ऐसी औरतों की और ऐसे मर्दों की जगह नहीं बची. बाकी आपके और भी कई सवाल एक ही सवाल में थे, वो क्या थे? मैं दूसरा आपसे सवाल पूछती हूँ जी. एक फिल्म आई थी 1980s के एंड में, कयामत से कयामत तक, जी जी, जिसमें दो प्यार करने वाले जी, जी, मर जाते हैं जी, और जी. पहले यही माना जाता था कि इश्क मुकम्मल ना हुआ तो अब मर जाना ही बेहतर जी, है. हाँ, जी, हाँ. अब ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं. सो ये अच्छी बात तो है जैसे कि आपने अभी बोला कि इश्क अब वो ज़माना चला गया, लेकिन वो जो एक शिद्दत होती थी जो एक पैशन. नहीं देखिए ये तो जितनी दुनिया में क्लासिकल लव स्टोरीज हैं दुनिया में उसमें हीरो हीरोइन एंड में मर जाते हैं, इसलिए कि अगर नहीं मरे तो इनकी शादी हो जाएगी. तो राइटर मारे डर के इन्हें मार डालता है. अब उस शादी के बाद फिर आप आगे चलाएंगे कहानियां, मालूम हुआ झगड़ा हो रहा है, तुम्हें कहा था कि आते वक्त तरकारी ले आना, तुम्हें कुछ याद तो रहता नहीं. भाई मेरे कमीन में बटन क्यों नहीं है बताइए? लैला मजनू में ये बातें हो रही हूँ, हीर रांझा एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, मेरे लॉन्ड्री क्यों भेज दिए तुमने वो कपड़े, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा. लिहाजा इनके मर जाने में ही इश्क का भला. ये किस्सा है. और दूसरे क्या होता है कि भाई जिंदा रहे तो कभी झगड़ा भी हो सकता है, और कभी एक दूसरे से अलग क्या ये आदमी कहाँ से मुझे पसंद आ गया था. ऐसा होता है ना जिंदगी में, डिवोर्सेज हो जाती हैं भाई, नाचाकी होती है, अलग हो जाते हैं. तो इससे पहले कि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसी कोई बात समझ में आए ये मरी जाए तो बेहतर. तो ये सारे चांसेस अब क्या है कि रहती दुनिया तक रोमियो जूलियट रोमांस में रहेंगे, रहती दुनिया तक लैला मजनू एक दूसरे पे आशिक रहेंगे, ख़त्म हो गई बात. जैसे कि मार्लन मनरो है, जेम्स डीन है, जो जवानी में मर गए तो अब वो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, वो हमेशा जवान रहेंगे. तो उसी तरह ये मोहब्बत हमेशा रहेगी, इसके लिए दोनों का मर जाना ही ठीक है जी. और फिल्मों में एक भी और थोड़ा ऐब नज़र आता है ये कि कुछ फिल्में देखिए प्यार में ट्विस्ट, चीनी कम, ऐसी फिल्में बनी जो 40 के बाद भी तो जाहिर है इश्क की ज़रूरत होती है, वो भी एक तरह की. ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने जी. लेकिन मुझे सबसे माकूल बात आपकी आज पूरे दिन यही लगी, मैं ये याद रखूँगा जी जी. लेकिन ये फिल्में बहुत कम बनती हैं अगर आप तो हॉलीवुड में देखिए तो बहुत सी फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें एज इज नो बैरियर एट ऑल, और हमारी जो आबादी है माना उसमें यूथ बहुत ज़्यादा है, बट कितने आप हमारी जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आना चाहिए. नहीं देखिए आपको एक ही बात बताऊं ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो फिल्म बनती है वो एक ऑडियंस को टारगेट करती है. आप ये देखिएगा कि 50s में, 60s में, 70s में जो हीरो होते थे उनकी उम्र या तो लेट 20s में होती थी या 30s में होती थी. दे यूज्ड टू बी यंग मेन. जो आप हीरोज को देखेंगे तो वो लड़के नहीं होते थे, वो ये बॉबी से पहले वो यंग मेन होते थे और यंग विमेन होती थी, वो लड़कियां छोटी सी नहीं होती थी.
इसका ये हवा में नहीं होती चीज़ें फिल्मों में जो होता है, उसका पूरे समाज से और हमारी इकोनॉमिक से गहरा ताल्लुक है। हमारे मुल्क में हम लोग शिकायतें तो बहुत करते रहते हैं लेकिन जो अच्छा हुआ है उसका जिक्र नहीं करते हैं। हुआ यह है कि ये कंट्री पिछले 60-70 सालों में बाई लीप्स एंड बाउंड्स इंडस्ट्रियलाइज हुई है। टुडे वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 11 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में एक इंडिया भी है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नया मिडिल क्लास पैदा किया। समझिए 80s में कोई 15 से 20 करोड़ आदमी मिडिल क्लास में एंटर हुए कि जिनके पास पहली बार ऐसा पैसा था कि वो कुछ आराम से खर्च कर सके। हमको बचपन में, मैं जब छोटा था तो मुझे 5 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी एक महीने की। आज आप किसी बच्चे को 100 रुपये देंगे तो बुरा मान जाएगा, ऐसा कीजिएगा मत कभी। तो जो टीनेजर है उसके पास, क्योंकि माँ बाप के पास है फुलेंस आई, तो टीनेजर के पास है फुलेंस आई, अब वो पिक्चर देख सकता है। हमको तो 3-4 महीने में कोई पिक्चर दिखा देता था तो थैंकफुल होते थे अपनी टीन एज में। ये बच्चे के पास इतना पैसा है कि वो फिल्म देखता है, जब वो फिल्म देखता है तो हीरो की उम्र कम हो गई है, इसलिए कि इसको दिखाई जा रही है पिक्चर, जो 22 साल का है, जो 20 साल का है, जो 18 साल की लड़की है, फिल्म उसे दिखाई जा रही है, तो हीरोइन भी फिर 18 साल की होगी, हीरो भी फिर 22 साल का होगा। तो हमारे एक्टर्स की और हमारे हीरोज़ की और हीरोइंस की उम्र पिछले 15-20 बरस में कम हुई है, इसलिए कि समाज में इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो जो यंगर जनरेशन है वो फिल्में देखती है आज ज़्यादा, उसके पास पैसा है देखने को, तो उस वजह से अब ये चांसेस कम होते जा रहे हैं कि ग्रोन अप लोगों की कहानियाँ बने। होती हैं, अभी भी बनती हैं, जैसे आपने दो एक का नाम लिया, दो एक का नाम मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान एक अजीब मुल्क है साहब, ये दुनिया की पुरानी से पुरानी तहजीबों का भी अलम्बरदार है। हमारी ट्रेडिशन 5,000 साल, 5,500 साल एक तरफ पुरानी है, दूसरी तरफ इस मुल्क की ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन जो है वो 25 साल से कम है। तो इतना यंग मुल्क और इतनी पुरानी ट्रेडिशन, कमाल की बात। तो इसमें अगर हम यंग आदमी को केटर करते दिखाई देते हैं हमारे फिल्म मेकर्स, तो कोई हैरत की बात नहीं। जी, आपने यूथ की बात की, मुझे याद है जावेद साहब 2005 की शायद बात है, मुंबई में फ्लड्स आए थे और मैं तब स्टार न्यूज़ में थी और एक स्टोरी मैंने बनाई थी कि भाई मुंबई में दो दुनिया रहती है, गरीबों की एक, अमीरों की, और कितना भी बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए अमीरों की दुनिया चलती रहती है। तो मैंने अपनी समझ से बनाई थी, बट मुझे उस रात को जावेद साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मेरी स्टोरी की तारीफ़ की कि मैंने टीवी पे देखा और बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे सोचने का ये तरीका है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जाहिर है, और आई वॉज इन माई अर्ली 20s और मुझे उस दिन बहुत रश हुआ अपने आप पर कि अच्छा मुझे उनका फ़ोन आया। तो मैं आप, बात यह है दरअसल कि आप जो ये यंग जनरेशन है, एक फसल जाती है दूसरी फसल आती है, आपके बच्चे बहुत खूबसूरती से हमारी जनरेशन को लीड कर रहे हैं, तो यूथ से दरअसल आपकी तवक्को क्या है? यूथ से सबसे पहले तो जो मुझे तवक्को, जो एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि वो हमसे बेहतर होंगे, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने, ये सच है कि हमसे पहले की जो जनरेशन थी, मुझसे पहले की जो जनरेशन थी, मेरे बाप या मेरे बाप की उम्र के जो लोग थे, उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, उन्होंने ये मुल्क आज़ाद की। वही जनरेशन थी जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क का बनाया, वही जनरेशन थी जिसने इस मुल्क की ज़मीन में डेमोक्रेसी की जड़ें डाल दी, हिला नहीं सकता कोई उसे अब, ये उनका अचीवमेंट था। हमने क्या दिया अपनी, ये उन्होंने हमें दिया था, हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिया? करप्शन, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, बेईमानी, रिश्वतखोरी, झूठ, घटिया पॉलिटिक्स, ये दिया हम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जनरेशन हमारे पाप माफ़ कर देगी और इस मुल्क को आगे ले जाएगी, उस तरफ नहीं जहाँ हम ले जा रहे हैं। क्या बात है,
इससे थोड़ा सा हटके मैं दोबारा आपके काम की, आपकी फिल्मों की तरफ आ रही हूँ. मुनव्वर आना का एक बड़ा अच्छा शेर है कि किसी को घर मिला हिस्से में और या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई. और हिंदी सिनेमा का जो सबसे लेजेंडरी डायलॉग है, मेरे पास माँ है, वो आपने लिखा. लेकिन इसमें थोड़ी सी शिकायत लग रही है मुझे इस शेर में जी, कि एक दुकान ले गए, घर ले गए, मुझे माँ दे दी. चलो खैर, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन पे आ गई है. चलो जो भी है. हाँ. दिलचस्प बात यह है कि जहाँ इस नैरेटिव से हम बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाते हैं कि हाँ हाँ हाँ, माँ जो है एक आदमी के लिए माँ बहुत ज़रूरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी माँ है, आपने एक उल्टी बात कही. आपने बोला कि जिस समाज में माँ पूजी जाएगी वहाँ तो औरत का बुरा हाल होना ही है. मैं आपको आपसे अर्ज करूँ, इसका थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखें तो मैं 2-3 मिनट लगूँ. ज़रूर. होता क्या है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो आप यकीन माने कि बहुत दिनों तक बच्चे को यही नहीं मालूम होता कि वो और माँ दो अलग जिस्म हैं, उसे नहीं पता होता. आप सबने देखा होगा कि बच्चे को आप हिलाते हैं तो सो जाता, आप उसे दूर दूर से थपकते हैं तो सो जाता. अरे बड़े आदमी को आप हिलाएंगे तो जाग जाएगा, बड़े इंसान को आप ऐसे दूर दूर से मारे उसकी नींद टूट जाएगी, बच्चा कैसे सो जाता. उसकी वजह यह है कि बच्चे ने माँ के पेट में धड़कने सुनी है कॉन्स्टेंटली, दिल की धक धक, जो माँ के दिल की धड़कन थी. तो जब आप उसे ऐसे पैट करते हैं तो उसे वो फीलिंग होती है कि वो धड़कन आ रही है, तो उसे इत्मीनान हो जाता है कि मैं सेफ हूँ, मैं तो वहीं हूँ जहाँ था. जब आप बच्चे को हिलाते हैं तो वो जो जूसेस थे जिनमें वो हिलता था इस तरह से, उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं वहीं हूँ तो मैं सेफ हो जाता. उसे ये अरसे बाद मालूम होता है कि माँ और मैं दो अलग जिस्म हैं, दो अलग इंसान हैं. और उस गम को कम करने के लिए वो एक माँ जैसी चीज़ ढूंढता है, टेडी बेयर या एक ब्लैंकेट. वो चीज़ हमेशा नर्म होगी, गर्म होगी, मुलायम होगी, माँ की तरह. कि अब माँ तो नहीं है, अलग है, तो कोई चीज़ तो रख लूँ अपने पास माँ जैसी. ये बच्चा जब बड़ा होता है तो देखता है कि उसकी माँ के साथ जाती है, उसका बाप उसे ह्यूमिलेट कर रहा है, उस माँ की दादी उसे कर रही है, उसकी आंट्स उसे ह्यूमिलेट, उस घर में वो लड़की, वो औरत जो उसकी माँ है, वो ह्यूमिलेट हो रही है. ये बच्चा चूंकि माँ से किस्मत जुड़ी है तो सोचता है कि मैं बड़े होकर अपनी माँ के लिए कुछ करूँगा, और माँ के लिए उसके दिल में बेपनाह कंपैशन और लव और मोहब्बत पैदा होती है, और वो पूछता है अपनी माँ को. लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो माँ का बेटा तो है, लेकिन अब वो खुद भी मर्द हो चुका है, अब उसे दूसरी औरतों पे जुल्म करना है. तो वो अपने इस पॉजिटिव इमोशन को भी विप बना लेता है और दूसरी औरत पे इस्तेमाल करता है. तुम मेरी माँ की तरह दाल नहीं बना सकती, तुम में मेरी माँ जैसे घर संभालती थी तुम नहीं संभाल सकती. वो माँ को कैरेट बना के अपनी बीवी के आगे लटका देता है, और वो बीवी सारी जिंदगी चलती है और उस कैरेट तक नहीं पहुँच सकती. हर माँ सास जो है हमारे समाज में, हर सास जो है अपने बहू से बेहतर दाल बनाती थी, यानी 5,000 साल से खाने का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है. ये कहना माँ की पूजा होनी चाहिए, माँ के तो पैरों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, माँ बहुत आदरणीय है, माँ बहुत मुअज्जज है. अरे भाई, माँ बहुत रिस्पेक्टेबल है, ये बार बार कह रहे हो, तो कौन है जो रिस्पेक्टेबल नहीं है? बाकी औरतें. बाप के बारे में तो कोई नहीं कहता है, बाप की बहुत इज्जत होनी चाहिए. अब बाप की इज्जत करो घर से निकाल देगा, करनी ही पड़ेगी. माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप के पैरों के नीचे जायदाद है. तो ये जो है, माँ की बहुत इज्जत करो, तो ये एक लाइसेंस है कि माँ की इज्जत करो, बाकियों को छोड़ दो. और माँ कौन सी माँ की इज्जत? मेरी माँ की इज्जत होनी चाहिए, ठीक है. मेरे बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए? और मेरी माँ की इज्जत कब होनी चाहिए? मैं पैदा हुआ था 17 जनवरी को, 16 जनवरी को मेरी माँ इज्जत के काबिल थी कि नहीं? अगर नहीं थी तो वो काहे की रिस्पेक्टेबल? रिस्पेक्टेबल तो मैं हूँ, मैं, शी इज लिविंग इन
रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, ये सब बकवास। हर औरत की इज्जत होनी चाहिए, माई की क्यों? तो जिस समाज में बहुत इंसिस्टेंस है माँ देवी है, अरे माँ इंसान है, देवी नहीं है। तुम उसे वो राइट तो देना नहीं चाहते जो इंसानों को मिलते, उसे देवी बना के पेडेस्टल पे बैठा देते हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, कमाल है। बाप देवता है कोई नहीं कहता, कभी सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना। जी बिल्कुल, तो चलिए मेरे तो सवाल पूरे हो गए और मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ, आपने कल बड़ी दिलचस्प नज़म सुनाई थी, कम से कम 5,000 लोगों का यहाँ मजमा था और बहुत दाद मिली थी, आप कुछ अपनी मनपसंद नज़में गज़लें कह दें प्लीज़। चलिए ठीक है, जल्दी से एक गज़ल के 2-3 शेर सुना देता हूँ, एक कोई नज़म सुना देता हूँ, उससे आगे तो आप सुनने को तैयार भी नहीं होंगे। चलो, ये उन्होंने कहा भी कुछ ही नए दिनों, अभी इन्हीं दिनों लिखी है। आजकल थोड़े लंबे मीटर में गज़ल लिखने का फैशन कम हो गया है, लेकिन ये थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा ही मीटर है। ज़रा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। ज़रा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कभी हमको यकीन था ज़ोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबान हो। कभी हमको यकीन था ज़ोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबान हो। हमें ये बात वैसे याद तो अब क्या है, लेकिन हाँ इसे यकसर बुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। हमें ये बात वैसे याद तो अब क्या है, लेकिन हाँ इसे यकसर बुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जहाँ इतने मसायब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानहा क्या? जहाँ इतने मसायब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानहा क्या? बहुत माकूल है ये बात, लेकिन इस हकीकत तक दिले नादा को लाने में अभी कुछ दिन लगे। कोई टूटे हुए शीशे लिए अफसुरदा मगमूम, कब तक यूं गुजारे बेतलब बेआरज़ू दिन। कोई टूटे हुए शीशे लिए अफसुर्द हो मगमूम, कब तक यूं गुजारे बेतलब बेआरज़ू दिन। तो उन ख्वाबों की किरचें हमने पलकों से झटक दी, पर नए अरमा सजाने में अभी कुछ दिन लगे। बस बाकी शेर भी कुछ ऐसे ही हैं दोस्तों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक नन सुना देता हूं आपको। इशार, ये खेल क्या है? वाह, इसमें जो मेटाफर है वो चेस का है, लेकिन बातें आप समझेंगे कुछ और। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं, अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या? न ये ज़रूरी न वो अहम है, अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वज़ीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज जो रखती है मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूँ तो सोचता हूँ ये खेल कब है, ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, कि कोई मोरा रहे के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आँच भी ना आए। वाह क्या बात है। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है,
कि कोई मोरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए, वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। क्या बात, मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और मेरी चाल के इंतजार में। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप जावेद अख्तर साहब को सुना करें और सुना करें और सुना करें, बेहद रोशन ख्याली आपको हासिल होगी। बहुत शुक्रिया। इस नज़्म का उन्वान ही वक्त है। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब ना गुजरा था तब कहां था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है, कहीं तो होगा। कहां से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। ये वाकये हादसे तसादुम, दीज इंसिडेंट्स, दीज एक्सीडेंट्स, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, एवरी सॉरो, एवरी जॉय, एवरी पेन, एवरी प्लेजर, ये वाकये हादसे तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक कजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो के वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो के माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों के दिल की हलचल, तमाम एहसास सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं अभी वहाँ हैं और अब है उछल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है, ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सतियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों, इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हों, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता, जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच्ची हो के सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमित या पिघल रहा है, किसे खबर है किसे पता है ये वक्त क्या है। ये कोहिनूर है जो हमारी दस्तरस में है, इनकी बड़ी इज्जत कीजिए जावेद अख्तर साहब।